एक काम करे, कल सुबह तीन महीनों उस कपड़े के साथ हम शुरुआत करें, फिर कल सुबह वो एटलीस्ट फास्ट मंत्र। ममता देवी को अगर थोड़ा सा भी सेंस होता, डेमोक्रेटिक सेंस, तो आज से दो महीना पहले रिजाइन कर दी होती। मिलकर उसका समाधान हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो सभ्य समाज के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। वो तो इस्तीफा तक देने को तैयार। मैं समझ रहा हूँ कि अब ये वक्त है, बैठिए, रिजॉल्व करिए, दूसरी अभियान हो इस देश में। कह रही है कि अगर पब्लिक चाहे तो मैं रिजाइन देने को रेडी हूं। हाँ, वो एक काम करे, कल सुबह तीन महीनों उस कपड़े के साथ हम शुरुआत करें, फिर कल सुबह वो एटलीस्ट फास्ट मंत्र शुरू करे। ममता देवी को अगर थोड़ा सा भी सेंस होता, डेमोक्रेटिक सेंस, तो आज से दो महीना पहले रिजाइन कर दी होती। महिला है और उसके राज में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कार्रवाई हुई है और वो नखरा कर रही हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा होता है और इस परिस्थिति में वो संभाल नहीं सकी और अब दूसरे प्रकार की नाटक कर रही है बचने के लिए। कहने का मतलब सत्ता का लोलुप है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। बंगाल में जो हालात हो रहे हैं, ममता सरकार को दबाने का प्रयास है, अच्छा ये लोग कहते। देखिए, ऐसा है, किसी भी दुष्कर्म को हम सबको कठोर शब्दों में इसकी निंदा करनी पड़ेगी और करते हैं हम लोग, किसी सरकार हो, कोई शासन प्रशासन हो, लेकिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और जिस बर्बरता से किया गया उसको कौन से ही मान सकता है। मैं तो कहता हूँ उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है, सीबीआई जाँच कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, मिलकर उसका समाधान हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो सभ्य समाज के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है और ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी भी देश प्रदेश में कहीं पर नहीं होना चाहिए। दूसरा कोई बीजेपी का सीएम ये बोलता तो आप पैंतरा नहीं बोलते, लेकिन ममता जी के लिए आप पैंतरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो आहत रही, हम सब आहत रहे। डॉक्टर्स ने अपने आक्रोश में एक संदेश दिया, संदेश पूरे देश पहुंचा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी जूनियर डॉक्टर्स को एक मैसेज कम्युनिकेट किया कि कम बैक टू ड्यूटी। अब यह है, इसको रिजॉल्व करना है, इसको रिजॉल्व करना है, एक सेफ कॉरिडोर हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए बने, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है और वो तो इस्तीफा तक देने को तैयार है। मैं समझ रहा हूं कि अब ये वक्त है, बैठिए, रिजॉल्व करिए, दूसरी अभियान हो इस देश में, क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही थी उधर मध्य प्रदेश में हो गया था, तो पूरे देश में ये छवियां आ रही हैं और ये छवियां हमारी रुग्णता का, सामूहिक रुग्णता का प्रतीक है।